All right, students, so let's start our lecture. Good morning to everyone. So today we will start the topic that is 4.3.1, that is monitors. For monitors may say hum start karenge the first monitor, that is LCD, which is in your syllabus. Now the thing is that within last lecture we have seen many different concepts related to the monitors. Again, I repeat, within last lecture, we have seen many different concepts related to the monitors. For example, agar aapko monitor ki size determine karni hai, to aap kis hisab se wo determine kar sakte ho. Agar aapko screen ki clarity jaanni hai, ya phir screen ki clarity define karni hai, to kaun si basic qualities ke upar se aap wo define kar sakte ho. Monitor kya hai, uske andar colors kitne hote hai, वो कैसे डिटरमाइन होते हैं कि पर्टिकुलर मॉनिटर कितने कलर्स डिस्प्ले करेगा, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, राइट? दैट इज एस्पेक्ट रेशियो, स्क्रीन साइज, डॉट पिच, रिजोल्यूशन, पिक्सल, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, राइट? दीज वेर द मैनी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज विच वेर रिलेटेड टू द मॉनिटर विच वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. Right, so today within this lecture we will start with the topic that is 4.3.1, that is monitors. Or monitors may say first monitor hum jo padhenge, that is LCD. Now the thing is that students, jo previous jo syllabus tha uske andar CRT monitor bhi tha, lekin ye jo naya syllabus aaya hai uske andar CRT monitor nahi hai. Now what is CRT monitor? CRT monitor मतलब वो जो पहले जो पुराने टेलीविजन आते थे, बॉक्स टाइप टेलीविजन, वैसे जो मॉनिटर्स आते थे कंप्यूटर के साथ, दोस मॉनिटर्स आर नोन एज CRT monitors, that is कैथोड रे ट्यूब, राइट? लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, नई चीजें डेवलप होती है, नई चीजें इन्वेंट होती है, राइट? सो उसके बाद जो मॉनिटर आया, दैट इज LCD, जो अभी भी हम यूज करते हैं. बिकॉज अब आप मॉनिटर लेने जाओगे तो कहीं पर भी आपको CRT मॉनिटर नहीं दिखाई देगा, बिकॉज वो स्पेस भी ज्यादा रोकता था, वो बॉक्स टाइप मॉनिटर था, उसके अंदर रिजोल्यूशन अच्छा नहीं मिलता था, राइट? सो नाउ अगर आप कोई भी मॉनिटर लेने जाते हो मार्केट में, तो आपको LCD मिलेगा, LED मिलेगा, OLED मॉनिटर मिलते हैं, TFT मॉनिटर मिलते हैं, राइट? टच स्क्रीन मॉनिटर मिलते हैं, लेकिन CRT मॉनिटर्स आर नॉट अवेलेबल, राइट? हमें पता है कि हमने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स है, छोटे कंप्यूटर्स, दैट इज PDA, दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, लैपटॉप्स है, विच आर ऑल्सो नोन एज नोटबुक्स, राइट? उसके अंदर नए टाइप की डिस्प्ले अवेलेबल होती है, एंड दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले इज नोन एज LCD, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. जिन्होंने कंप्यूटर मार्केट के अंदर ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखा है, बिकॉज LCD जब से ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट मतलब आई कंप्यूटर के साथ मॉनिटर को बनाने में, तब से जो भी कंप्यूटर्स बनते हैं, जो भी स्क्रीन बनती है कंप्यूटर के लिए, राइट, वो वाइड स्क्रीन तो होती ही है, मतलब उसकी विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, वाइड स्क्रीन मॉनिटर्स तो होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो साइज थी वो भी थिन होती गई, right? So this is the most important thing that we need to consider related to the monitor, right? That is LCD जब से आया तब से ये चीज, ये changes हमें दिखाई देते हैं. आप अगर notebook देखने जाओ, that is laptop देखने जाओ, तो उसके अंदर तो obviously जितनी thin screen होगी उतना ही अच्छा होगा, लेकिन अब तो desktop monitors के साथ भी ऐसी thin screen available होती है, और सारे people, सारे लोग ऐसी ही thin screen prefer करते हैं, because वहाँ पे first thing is कि वो बहुत ही कम space में आ जाती है, fit हो जाती है, और दूसरा वो power भी less consume करती है, राइट? और उसके साथ साथ उसकी जो क्लैरिटी होती है, व्यूइंग एंगल होता है, वो सारी चीजें बहुत अच्छी होती है, राइट? दैट्स व्हाई ये जो LCD मॉनिटर्स है अब सारे नोटबुक्स या फिर डेस्कटॉप के साथ अवेलेबल होते हैं. ऑलराइट, नाउ द टर्म इज लिक्विड क्रिस्टल. अगर आप ये लिक्विड क्रिस्टल टर्म आप
देखोगे तो उसके अंदर दो अलग अलग चीजें हैं। हमें पता है कि क्रिस्टल्स आर सॉलिड मटेरियल। अगेन आई रिपीट, हमें पता है कि क्रिस्टल्स आर सॉलिड मटेरियल, राइट, जैसे क्वार्ट्ज। लेकिन जो लिक्विड होता है विच इज अ वॉटर टाइप मटेरियल, मतलब फ्लूइड, राइट, हम उसे फ्लूइड बोलते हैं, दैट इज लिक्विड। मतलब सॉलिड भी है लिक्विड भी है, बिकॉज ये जो एलसीडी है उसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्रिस्टल्स कभी भी लिक्विड नहीं होते, और लिक्विड जो फ्लूइड होता है वो कभी भी सॉलिड नहीं होता है, राइट। सो अगर हम ये टर्म देखने जाएंगे तो हमें लगेगा इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, बट द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं कि जो ऑड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऑड स्टेट मतलब ना ही वो लिक्विड होते हैं ना ही वो सॉलिड होते हैं, दैट्स व्हाई हम उन्हें सेमी लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड कहते हैं। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, ये जो हम लिक्विड क्रिस्टल हम यूज करेंगे उसके अंदर क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, उनके स्टेट ऐसे होंगे कि जो सॉलिड के जैसे भी वर्क करेंगे और लिक्विड के जैसे भी वर्क करेंगे। अगर हम मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन के बारे में बात करें तो वो सॉलिड के हिसाब से वर्क करेंगे, लेकिन अगर हमें मॉलिक्यूल को मूव करना है तो ऑब्वियसली वो लिक्विड के हिसाब से वर्क करेंगे। मतलब अगर हमें मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज करनी है, राइट, तो वो लिक्विड के हिसाब से होगा तो ही हम उन्हें मूव कर पाएंगे, और अगर हमें उनके ओरिएंटेशन चेंज करने हैं, राइट, ओरिएंटेशन चेंज करना है तो ऑब्वियसली वहां पे हमें सॉलिड चाहिए। दैट्स व्हाई ये जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है विद इन द मॉनिटर, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसके अंदर ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ऑड स्टेट में होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नाइदर सॉलिड नाइदर लिक्विड। लेकिन ये जो एबिलिटी होती है लिक्विड क्रिस्टल की, राइट, वो मैन्युफैक्चरर्स ने इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए यूज की है हमारे मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर, राइट। सो दीस आर द थिंग्स विच यू नीड टू कंसिडर, विच यू नीड टू रिमेम्बर रिलेटेड टू द एलसीडी, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नाउ दिस इज हाउ कि ये जो एलसीडी मॉनिटर होता है वो कैसे बना हुआ होता है, राइट, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स। यहाँ पे जो पीछे की साइड होती है दैट इज नोन एज बैक लाइटिंग, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे लाइट चाहिए तो ही हमें स्क्रीन के ऊपर जो इमेज है या फिर जो हमें डिस्प्ले करना है वो दिखाई देगा। उसके साथ साथ फर्स्ट और ये लास्ट लेयर, इट इज नोन एज पोलराइजिंग फिल्टर। उसके बाद जो लेयर आता है ऑन बोथ द साइड, इट इज नोन एज ग्लास सबस्ट्रेट। उसके बाद जो लेयर आता है दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स, और वो दोनों के बीच में होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। और ऑब्वियसली अगर हमें कलर डिस्प्ले करना है तो हमें चाहिए कलर फिल्टर्स, राइट। सो लिक्विड क्रिस्टल के बाद हमें क्या मिलेगा, कलर फिल्टर्स, राइट। सो दिस इज हाउ कि एलसीडी डिस्प्ले कैसे मल्टीपल लेयर्स का यूज करके बनाया हुआ होता है। बैक लाइट होती है जहां से लाइट पास लाइट एमिट होगी, वो पोलराइजिंग फिल्टर में से पास होगा, बीच में ग्लास सबस्ट्रेट होगा, उसके बाद ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स होंगे, राइट, उसके बाद आएगा लिक्विड क्रिस्टल, राइट, और हमें ऑब्वियसली कलर डिस्प्ले करने के लिए कलर फिल्टर चाहिए, दैट इज रेड ग्रीन एंड ब्लू, बिकॉज हमें पता है कि अगर हम ये थ्री कलर की कॉम्बिनेशंस के ऊपर वर्क करेंगे तो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर जनरेट किए गए मिलेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ कि एलसीडी डिस्प्ले कैसे मल्टीपल लेयर्स में बना हुआ है। ओके, सो एज वी हैव सीन कि एलसीडी स्क्रीन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लेयर्स, राइट, लाइट सोर्स होता है दैट इज फ्लोरोसेंट, उसे कहते हैं फ्लोरोसेंट लाइट सोर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज बैक लाइट, because it is the rare most layer, that is the last layer, right? So kya hoga ki ye jo humne do polarizing filters ke bare mein baat ki, jab bhi backlight mein se light emit hogi to pehle wo first polarizing filter mein se pass hogi, jaise hi wo first polarizing filters mein se pass hogi uske baad wo kahan se pass hogi, liquid crystals mein se pass hogi, jo bahut chote chote containers ke andar align kiye gaye hame
मिलते हैं, बिकॉज ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं दे आर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन. मतलब जितने भी नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे उतने लिक्विड क्रिस्टल्स के ये सेल्स हमें मिलेंगे, तभी हमें मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें अच्छी तरह से दिखाई देगी. एंड दिस टाइनी कंटेनर्स के जिसके अंदर ये लिक्विड क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं दे आर नोन एज सेल्स. अगेन आई रिपीट, दिस टाइनी कंटेनर्स के जिसके अंदर ये लिक्विड क्रिस्टल्स रखे गए हैं दे आर नोन एज सेल्स. मतलब पहले जो बैकलाइट है वो फर्स्ट पोलराइजिंग फिल्टर में से पास होगी, राइट? फर्स्ट पोलराइजिंग फिल्टर के बाद वो कहाँ पे आएगी? लिक्विड क्रिस्टल पे आएगी, सारे लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए. और ये लिक्विड क्रिस्टल्स कहाँ पे होते हैं? टाइनी कंटेनर्स में होते हैं, विच आर नोन एज सेल्स, राइट? अब ये सेल्स के अंदर क्या होता है, वो पर्टिकुलर रो के अंदर सारे अरेंज किए गए हमें मिलते हैं. और एक पिक्सल के लिए वन और मोर सेल्स भी हो सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि अगर हमें सिर्फ एक ही कलर डिस्प्ले करना है तो हमें एक सेल चाहिए, लेकिन हमें तो कलर्ड मॉनिटर बनाना है. और अगर हमें कलर्ड मॉनिटर बनाना है तो हमें वहां पे ज्यादा सेल्स चाहिए, बिकॉज हमें रेड, ग्रीन और ब्लू ये तीन कलर के कॉम्बिनेशंस वहां पे बिठाने हैं, तो ही वहां पे कलर्स जनरेट होंगे, राइट? नाउ व्हाट इज द थिंग, जो एलसीडी मॉनिटर की एज होती है, मतलब कॉर्नर्स होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जनरेट होती है ये जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं. और ट्विस्ट होने के बाद वो दूसरा जो पोलराइजिंग फिल्टर है उसमें से पास होता है. अगर सारे मॉलिक्यूल्स अच्छी तरह से अरेंज हुए हैं तो वहां से लाइट पास होगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मॉलिक्यूल्स का जो अलाइनमेंट है, जो ओरिएंटेशन है, वो चेंज हो गया है तो वहां से लाइट पास नहीं होगी. इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें वहां पे पर्टिकुलर कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा. जैसे आप ये मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आपको जो दो साइड के कॉर्नर है वहां पे ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो मेरी पीपीटी है उसमें व्हाइट कलर भी है, रेड कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, ब्लू कलर के डॉट्स भी है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो वहाँ पे ब्राउन कलर भी है, और ऊपर का जो हेडर है वो भी ब्राउन कलर का है. इट मीन्स कि ये जो ब्लैक कलर है, इट मीन्स कि वहाँ पे वो पिक्सल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो ट्विस्ट हो गए, मतलब वहां से लाइट पास नहीं हुई. और जहाँ पे व्हाइट कलर है ऑब्वियसली वहां पे फुल लाइट पास हुई, लेकिन मुझे जहां जहां पे रेड कलर बनाना है तो वहां पे सिर्फ पर्टिकुलर वो रेड कलर के फिल्टर होंगे, वहां से ही मुझे वो लाइट पास करनी पड़ेगी, राइट? सो दिस इज हाउ कि कैसे कलर्स जनरेट होंगे एलसीडी मॉनिटर के अंदर, राइट? नाउ ये जो मैंने अभी यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस बताई, राइट, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बोला कि इट इज फॉर वन कलर, लेकिन अगर मुझे कलर्ड एलसीडी बनाना है, राइट, ऑब्वियसली इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स क्यों होगा? बिकॉज जैसे मैंने बताया कि अगर मोनोक्रोम एलसीडी है, दैट इज उसके अंदर एक ही कलर डिस्प्ले होता है, राइट? तो वहां पे क्या होगा, मोनोक्रोम एलसीडी के अंदर एक ही कलर डिस्प्ले करना है तो वहां पे कलर फिल्टर की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे सेल्स को सब सेल्स के अंदर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मुझे कलर एलसीडी बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ईच पिक्सल को मुझे, ईच सेल को मुझे सब सेल्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब एक रेड के लिए, एक ब्लू के लिए और एक ग्रीन के लिए. मींस वन सेल विल बी सब डिवाइडेड इनटू थ्री सेल्स, राइट? और इन फ्रंट ऑफ ईच सेल हम वहां पे फिल्टर्स रखेंगे, दैट इज फॉर वन फॉर रेड, another is for green, and then is for another is for blue. Again, I repeat, अगर मुझे color LCD चाहिए तो मुझे cells को सब divide करना पड़ेगा into three different cells. और सारे cells के आगे मुझे filters रखने पड़ेंगे. एक के आगे red, दूसरे के आगे green और तीसरे के आगे blue. It means एक pixel के लिए three छोटे-छोटे cells हम use, तभी हमें वहाँ पे color दिखाई देगा. अब क्या होगा, जैसे ही ये लाइट फिल्टर के थ्रू पास होगी, राइट, तो वो कलर्स क्रिएट करेगा.
जैसे ही ये लाइट फिल्टर के थ्रू पास होगी तो ये कलर क्रिएट करेगा, राइट? सो दिस इज हाउ कि कैसे मोनोक्रोम एलसीडी वर्क करता है और कलर एलसीडी वर्क करता है। अब आप ये देख सकते हो, देखो यहाँ पे पहली जो ये बैक लाइट होगी, राइट, वो लाइट ये पोलराइजिंग फिल्टर में से पास होगी। अब ये पोलराइजिंग फिल्टर क्या होगा, एक वर्टिकल मैनर में होगा और दूसरा पोलराइजिंग फिल्टर हॉरिजॉन्टल लेयर मैनर में होगा। देखो यहाँ से जो लाइट आती है वो वर्टिकल लाइट है, लेकिन ये क्रिस्टल्स जैसे ट्विस्ट होते जा रहे हैं, राइट, उसके हिसाब से ये लाइट कैसे फॉर्म हो गई, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल मैनर। बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है एलसीडी के अंदर वो इसी हिसाब से बनी गई है, राइट, कि पहला जो पोलराइजिंग फिल्टर होगा वो वर्टिकल होगा और दूसरा पोलराइजिंग फिल्टर होगा दैट इज हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि वो 90 डिग्री के ऊपर वो ट्विस्ट हुए है, राइट। वैसे ही ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड क्रिस्टल के, वो मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही ट्विस्ट किए गए हमें दिखाई दे रहे हैं ये फर्स्ट इमेज के अंदर। मतलब जो वर्टिकल लाइट थी वो ट्विस्ट होती गई और बाद में वो लाइट हॉरिजॉन्टल बन गई, तभी वो ये पर्टिकुलर पोलराइजिंग फिल्टर में से पास हो सकती है, राइट। ऐसे सारे ये जो मैंने अभी ये एक सेल के लिए मैंने बताया, वैसे बहुत सारे सेल्स आपके मॉनिटर स्क्रीन के पीछे आपको मिलेंगे। अगेन आई रिपीट, ये जो मैंने बताया वो सिर्फ एक सेल के लिए है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सेल्स आपको अपने मॉनिटर की स्क्रीन के पीछे आपको मिलेंगे। बिकॉज क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि एक पिक्सल के लिए एक सेल होता है, तो ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे उतने ऐसे सेल्स हमें मॉनिटर स्क्रीन के पीछे दिखाई देंगे, राइट। और जैसे ही हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, दैट इज उसे वोल्टेज देंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही मैंने वोल्टेज दिया, ये जो क्रिस्टल का जो ओरिएंटेशन था, ये जो फर्स्ट इमेज के अंदर है वो चेंज हो गया। मतलब जो बैकलाइट आई वो पहले पोलराइजिंग फिल्टर में से तो पास हुई, लेकिन क्रिस्टल ओरिएंटेड नहीं थे, इसलिए ये दूसरे पोलराइजिंग फिल्टर में से बैकलाइट पास नहीं हो पाई। इट मींस ऐसी जगह पे हमें ब्लैक कलर दिखाई देगा, और जहां से ये लाइट पास होती हुई सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर में से आती है, तो वहां पे जो कलर हमें बनाना है उस हिसाब से वहां पे वो कलर फिल्टर के अंदर मिक्स होगी और हमें पर्टिकुलर कलर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, राइट। सो ये आपको इस हिसाब से समझना है कि अगर ये जो मॉलिक्यूल्स है वो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अंदर होगे तो ही हमें यहाँ पे लाइट दिखाई देगी और हमें स्क्रीन के ऊपर कोई इमेज दिखाई देगी। लेकिन जब भी ये हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, दैट इज वोल्टेज देंगे, तो ये इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा और लाइट पास नहीं होगी। और ऑब्वियसली अगर लाइट पास नहीं होगी तो वहां पे हमें कोई भी इमेज या फिर कोई भी चीज दिखाई नहीं देंगी, राइट। नाउ एलसीडी स्क्रीन के अंदर क्या होता है, ईच पिक्सल को हम इंडिविजुअली फॉर्म कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, एलसीडी डिस्प्ले के अंदर क्या होता है, हम ईच पिक्सल को, ईच एंड एवरी पिक्सल को इंडिविजुअली हम उसे एड्रेस कर सकते हैं, हम उसे मैनेज कर सकते हैं। दैट्स वाई अगर हम सीआरटी और एलसीडी को कंपेयर करें तो सीआरटी से हमें एलसीडी के अंदर ज्यादा शार्पर, मतलब अच्छी तरह से टेक्स्ट दिखाई देंगे, राइट। नाउ द थिंग इज दैट एज आई हैव टोल्ड कि उसके अंदर लिक्विड जो क्रिस्टल्स होते हैं, दैट इज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पर्टिकुलर वन पिक्सल के लिए वन सेल होता है मॉलिक्यूल्स का, राइट। मतलब जितने पिक्सल्स हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं, राइट, उतने सेल्स वहां पे होने चाहिए। और हमने देखा था दैट इज द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन, दैट इज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दे आर नोन एज रिजोल्यूशन। इट मीन्स कि अगर हम एलसीडी मॉनिटर के अंदर रिजोल्यूशन की बात करें, सो ऑब्वियसली इट इज लिमिटेड टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स, बिकॉज वो फिजिकली डिस्प्ले के अंदर बनाए गए हैं। लेकिन अगर हमें वो रिजोल्यूशन चेंज करना है,
दैट इज फॉर एग्जाम्पल 800x600 का रिजोल्यूशन है और मुझे अपग्रेड करना है 1024x768, तो मुझे वहां पे सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा, तो मैं पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के ऊपर वर्क कर सकती हूँ, राइट? So students, this was the technology or this was the monitor that is LCD, right? कि जो multiple layers के अंदर बनाया गया है और हमने देखा कि वहाँ पे कैसे वो light का use करके वहाँ पे हमें screen के ऊपर सारी चीजें दिखाई देती है. Now you need to remember कि ये LCD पहला ऐसा monitor था कि जो thin monitor बना था, मतलब ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स का यूज करके मॉनिटर बना था. इससे पहले जो भी मॉनिटर्स थे वो सीआरटी मॉनिटर्स थे. अब इसके बाद की जो टेक्नोलॉजी आई, दैट इज टीएफटी आई, एलईडी आई, ओएलईडी आई, टच स्क्रीन आई, ये इसके बाद की जो टेक्नोलॉजी वाले जो मॉनिटर्स थे वो सारे मॉनिटर्स कहीं ना कहीं ये एलसीडी के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसके ऊपर से ही बनाए गए हैं. That's why ये जो मैंने यहाँ पे आपको layers बताए, right? ये layers आपको याद रखने हैं कि कौन-कौन से layers थे और वो किस हिसाब से work करते हैं. Obviously इसके बाद की जो हम monitors पढ़ेंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं ये layers के बारे में हमें याद रखना पड़ेगा. Because अगर मैं LCD की बात करूँ तो वहाँ पे liquid crystals use हुए हैं. अगर मैं एलईडी की बात करूं तो वहां पे बैकलाइट की जगह एलईडी बल्ब यूज हुए हैं. इट मींस छोटे छोटे चेंजेस करके, राइट, नए नए मॉनिटर्स मार्केट में आए, बट द थिंग इज दैट जो बेसिक टेक्नोलॉजी थी वो सेम है, राइट? सो ये आपको यहाँ पे कंसिडर करना है. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स मैं वीडियो प्ले करूंगी और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, राइट? Right, see over here, हमें पता है कि जो LCD मॉनिटर है वो मल्टीपल लेयर्स का यूज करके बनाया गया है, जिसके अंदर जो भी सारी चीजें वर्क करती है वो लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल के ऊपर से ये सारी चीजें वर्क करती है. अब ये जो लिक्विड क्रिस्टल के बारे में मैंने आपको बताया कि लिक्विड क्या है और क्रिस्टल क्या है, राइट? नाउ अनदर थिंग इज, मैंने आपको बताया कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो पोलराइजिंग फिल्टर्स के बीच में होते हैं, राइट? और ये जो पोलराइजिंग फिल्टर्स है वो 90 डिग्री के ऊपर रोटेट किए गए होते हैं. अगेन आई रिपीट, ये जो पोलराइजिंग फिल्टर की प्लेट्स होती है, दैट इज ग्लास प्लेट्स, वो 90 डिग्री के ऊपर रोटेट की गई है. उसकी वजह से ये जो क्रिस्टल्स है वो भी उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया है. ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे जो प्लेट है वो वर्टिकल है, राइट? पहले जैसे क्रिस्टल्स थे उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया बिकॉज ये जो प्लेट्स थी वो 90 डिग्री के ऊपर रोटेट हो गई. देखो कैसे ये पूरे क्रिस्टल्स की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गए, राइट? ये क्यों हुआ? बिकॉज हमने जो प्लेट थी वो हमने 90 डिग्री के ऊपर रोटेट कर दी. अब क्या होगा, देखो ये बैक लाइट आई, यहाँ से आप देख रहे हो वो यहाँ से ये बैक लाइट आई. ये बैक लाइट सारे क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स में से पास होती हुई, राइट, डायरेक्टली कहाँ जाती है, दूसरे पोलराइजिंग फिल्टर के प्लेट के अंदर जाएगी और हमें दूसरे एंड से वो लाइट दिखाई देगी बिकॉज वो सेल ग्लो करेगा, राइट? लेकिन क्या है कि हमने पढ़ा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है. मैंने बोला था कि वहां पे वोल्टेज हमें देने होते हैं. तो देखो जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगी तो वो सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा. अभी ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई दे रही है, राइट, ये कनेक्टेड नहीं है. देखो ये सर्किट यहाँ पे ओपन है. अगर सर्किट ओपन है तो हमें पता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी. जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगी तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ये सर्किट कनेक्ट हो गई. जैसे ही ये सर्किट कनेक्ट हो गई, ये जो मॉलिक्यूल की जो ओरिएंटेशन था वो पूरा चेंज हो गया. देखिए सारे मॉलिक्यूल्स कैसे अनइवन हो गए. देखिए ये जो सारे मॉलिक्यूल्स थे, अगर ये सर्किट ओपन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वो अच्छी तरह से अरेंज हुए हैं ओरिएंटेशन के अंदर. लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देती हूँ, देखिए कैसे सारे मॉलिक्यूल्स अनइवन अरेंज हो गए. इसका
मीनिंग क्या होता है कि अगर ये मॉलिक्यूल्स अनइवन अरेंज हुए हैं तो ये वहां पे हमें लाइट दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अगर वहां पे मॉलिक्यूल्स अच्छी तरह से अरेंज हुए हैं तो वहां पे हमें लाइट दिखाई देगी। देखो यहाँ पे, ये देखो पहले पहला जो सेल था उसमें से हमें लाइट नहीं दिखाई दी, बिकॉज वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास की गई थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है तो वहां पे क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स अच्छी तरह से अरेंज नहीं होंगे, उनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। अब हमने मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मुझे कलर्ड एलसीडी चाहिए तो मुझे एक सेल को सब सेल्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज इन थ्री डिफरेंट सेल्स, बिकॉज वहां पे मुझे उसके साथ कलर फिल्टर्स भी लगाने पड़ेंगे। वन इज फॉर रेड, ग्रीन, अनदर इज फॉर ग्रीन, एंड थर्ड इज फॉर ब्लू, बिकॉज हमें पता है कि जो भी कलर्स जनरेट होते हैं वो ये थ्री जो बेसिक कलर्स है उनका मिक्सचर करके ही जनरेट किए गए होते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ के जब भी हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो कैसे मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पे लाइट एमिट नहीं की गई मिलती, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ के एलसीडी मॉनिटर कैसे वर्क करता है, राइट? नाउ एज आई हैव टोल्ड के एलसीडी के बाद जो उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई दैट वाज टीएफटी। नाउ व्हाट वाज द थिंग, टीएफटी के अंदर थीन फिल्म ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं। अगेन आई रिपीट, जो कलर एलसीडी था, राइट, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ, उसके अंदर क्या चेंजेस हुआ, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर्स यूज हुए, राइट, विच आर नोन एज एक्टिव मैट्रिक्स, राइट? किसके लिए ये एक्टिव मैट्रिक्स यूज हुए थे, टू एक्टिवेट द सेल। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर जब भी कोई लाइट पास होगी तो ही हमें स्क्रीन के ऊपर वो पर्टिकुलर जगह पे कोई भी चीज दिखाई देगी। सो सेल को एक्टिवेट करने के लिए जो टीएफटी बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, विच वॉज नोन एज एक्टिव मैट्रिक्स, उसके अंदर थीन फिल्म ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे, राइट? अब ये जो टीएफटी बेस्ड एलसीडी थे वो ज्यादा शार्प ब्राइट इमेज क्रिएट करते थे एज कंपेयर टू एलसीडी टेक्नोलॉजीज, राइट? अगर हम एलसीडी टेक्नोलॉजी की बात करें और टीएफटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये जो टीएफटी टेक्नोलॉजी थी वो ज्यादा शार्प या फिर ज्यादा ब्राइट इमेजेस क्रिएट कर सकती थी। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, हम अगर आपको पता हो तो स्क्रीन के ऊपर घोस्ट इमेजेस क्रिएट होती है। अगर जो पुराने वाले जो एलसीडी मॉनिटर थे, राइट, अगर हम वो यूज करते विच वे नोन एज पैसिव मैट्रिक्स, सो वहां पे घोस्ट इमेजेस क्रिएट होती थी। नाउ व्हाट इज नोन एज घोस्ट इमेज, घोस्ट इमेज मतलब अगर हम बहुत ही स्पीडी मैनर के अंदर, दैट इज रैपिड मैनर के अंदर स्क्रीन के ऊपर अगर हम कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो वहां पे क्या होता था, एक सीन के ऊपर से दूसरे सीन के ऊपर जब भी हमारा वीडियो जाता था, जो पुराना वाला जो सीन था उसे जाने में और जो नया वाला सीन है उसे आने में, वो दोनों के बीच में हमें ब्लैक कलर, दैट इज ग्रे कलर की इमेज वहां पे दिखाई देती है, जो पुराने वाले सीन थे उसकी। सो दैट ग्रे कलर इमेज इज नोन एज घोस्ट इमेजेस। सो जो पहले वाली जो टेक्नोलॉजी थी, दैट इज ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट इज पैसिव मैट्रिक्स, उसके अंदर ऐसे घोस्ट इमेजेस का प्रॉब्लम था। लेकिन जब से ये टीएफटी बेस्ड टेक्नोलॉजी आई है उसके अंदर एक्टिव मैट्रिक्स है, सो उसके अंदर ये जो घोस्ट इमेजेस का जो प्रॉब्लम था वो रिमूव हो चुका है, और उसके अंदर हम शार्पर और ब्राइटर इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर रिलेटेड टू टीएफटी मॉनिटर, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी थी वो तो एलसीडी ही थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चीज रखी गई है, दैट इज टीएफटी, दैट इज ट्रांजिस्टर्स रखे गए हैं कि जो एक्टिव मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, राइट?